अश्विन लुक टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सेम टॉपिक प्रोबेबिलिटी। बेटा अभी तक हम लोग प्रोबेबिलिटी में देखा, हम लोगों ने स्टार्ट किया, वी हैव स्टार्टेड दैट विद आवर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट की थी अपनी इस प्रोबेबिलिटी की जर्नी। और देन इन आवर लास्ट क्लासेज वी हैव डिस्कस आवर बेस थ्योरम, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी लगा लिए। देखिए बेटा अभी जो मोस्टली हमारी ये प्रोबेबिलिटी टॉपिक थी बेटा, वो इट्स डिवाइड इन आवर थ्री पोर्शंस, वो थ्री पोर्शंस में डिवाइड थी। फर्स्ट जो हमारी जर्नी थी वो स्टार्ट हुई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टू बेस थ्योरम। देन बेटा फिर हम हमारे पास वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट रैंडम वेरिएबल्स, देन हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना था, एंड देन वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट मीन वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन टॉपिक्स। पर वो टॉपिक्स हमारी डेटिंग ऑफ सिलेबस की पार्ट हो गई है, उसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे आगे जब रिविजन पार्ट्स में आएंगे, तो उसको भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। देन अगर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स की, तो मीन्स आवर टॉपिक इज नाउ टू बी एज एंड, बट इन टुडे रिव्यू ये एंड मान के नहीं चलते, क्योंकि मैथमेटिक्स के टॉपिक्स में कुछ भी एंड नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चंस कभी ख़त्म नहीं होते हैं, जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती है हमारी। तो आज के टॉपिक में देखो बेटा, वो डिटिंग सिलेबस में उन्होंने मीन और रैंडम वेरिएबल्स के मीन और वेरियंस को डिटिक टॉपिक में डाल रखा हुआ है, इसलिए आज की क्लास में हम रैंडम वेरिएबल्स के डिफिनेशन को समझेंगे और थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझ लेंगे, क्योंकि वहाँ पे डिटिंग सिलेबस में इट्स गिवन दैट वी हैव टू नॉट रीड अबाउट मीन एंड वेरियंस रिलेटेड विद आवर रैंडम वेरिएबल्स। देन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो लास्ट टॉपिक थी वो बायनोमियल ट्रायल्स एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थी, वो भी डिटिक पोर्शन के पास आ गया हुआ है। तो देन अब आपको क्या करना है, आपकी टॉपिक्स एंड हो चुकी है, देन वी ऑल ऑफ यू हैव टू बी रिवाइज ऑल द सिलेबस। नेक्स्ट वीडियोज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना रिविजन पोर्शन, हम रिविजन टॉपिक्स पर जाएंगे वन बाई वन, स्टार्ट करेंगे रेशनल फंक्शंस के साथ। तो आज की क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत ही इट्स वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कई बार सैम्पल पेपर्स में सैम्पल क्वेश्चंस का पार्ट रहता है ये क्वेश्चन, उसके डिस्कशन करते हैं। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस विद अवर डिफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स को देखेंगे और बात करेंगे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। देन स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। वी हैव अ गिवन दैट अ लेटर इज नोन टू बी हैव कम आइदर फॉर फ्रॉम टाटा नगर, हमारे पास एक लेटर है, इट्स गिवन दैट लेटर इज नोन टू बी हैव कम आइदर फ्रॉम टाटा नगर और कैलकाटा ऑन द एनवेलप, जस्ट टू कंजुगेटेड लेटर्स टीए आर विजिबल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर हैज कम फ्रॉम कैलकाटा और टाटा नगर। ठीक, तो जस्ट क्वेश्चन भी गिवन है बेटा कि एनवेलप है जिसपे जो हमारा टीए है बेटा, वो टीए विजिबल है, ठीक, उस जो लेटर है उस पर टी ए मीन्स वहाँ पे लेटर नोन टू हैव कम आइदर फ्रॉम, इतना में पता है या तो कैलकाटा से आया है या तो वो टाटा नगर से आया है, इट्स कैम फ्रॉम कैलकाटा, ठीक है बेटा, या तो इट्स कैम फ्रॉम कैलकाटा और इट्स कैम फ्रॉम टाटा नगर, a letter to known to have come either from Tata Nagar or either it's a come from Calcutta on the envelope, just two consecutive letters TA are visible. Now we have just visible, हमारे पास जो visibility है वो TA की है, what is the probability that the letter has come from first Calcutta then Tata Nagar, हमें इस probability में बेटा we have to be discuss that कि वो Calcutta से आया है या Tata Nagar से आया। Then अब look out, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद टिल नाउ क्यों चूज किया, क्योंकि बिकॉज फर्स्ट व्यू में तो ये पता चलता नहीं कि इट्स क्वेश्चन रिलेटेड विद आवर व्हाट बेस थ्योरम, पर ऑन द एनवेलप जस्ट कंजुगेटिव लेटर्स टी ए आर विजिबल, मतलब टी ए विजिबल मतलब देखो यहाँ पे टी ए इज गिवन देयर, ठीक, टी ए गिवन देयर है, और कहाँ पे जा रहे हैं हम, कॉज पे जा रहे हैं, रिसोर्सेज पे जा रहे हैं। मैंने बार बार आपको बोला कि जो हमारी बेस थ्योरम की एप्लीकेशन है वो जो बेस थ्योरम एप्लीकेशन बेस्ड है वो हमारी कंडीशनल थ्योरी प्रोबेबिलिटी की ही एप्लीकेशन बेस है। कंडीशनल में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी को पता करते हैं और बेस हमारी एप्लीकेशन क्या, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, हम कॉज की तरफ जाते हैं, हम सोर्स की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे पास गिवन है कि टी ए विजिबल है, अभी हमें सोर्स पता करना है कि वो कलकत्ता से आया या टाटा नगर से आया, वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी देयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट फॉर्म करते हैं, क्योंकि बेस पे देना, व्हाट इज योर फर्स्ट इवेंट, जो हमारी बेटा इवेंट है उसकी बात करते हैं। इवेंट क्या, फर्स्ट इवेंट है लेटर्स कम्स फ्रॉम
हमने क्या लिया कि जो हमारा लेटर है इट्स कैम फ्रॉम कैलकटा, इवेंट लिया इवन, ई टू क्या लिया बेटा, ई टू लेते हैं लेटर्स कम्स फ्रॉम टाटा नगर, ठीक है। हमने इवेंट्स ले लिया, हमारा जो लेटर्स है वो कम्स फ्रॉम कैलकटा है, ई टू में लेटर्स से कम्स फ्रॉम टाटा नगर, और ए इवेंट्स लेते हैं क्या हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था दैट अ लेटर इज नोन टू हैव कम आइदर फ्रॉम टाटा नगर आर कैलकटा ऑन द एनवेलप जस्ट टू कंसेक्यूटिव लेटर्स टी ए आर विजिबल। तो बेटा जो हमारी इवेंट होगी ए क्या होगी, गिवन टू लेटर्स, गिवन टू विजिबल लेटर्स आर, इधर को विजिबल लिखते हैं, गिवन टू विजिबल लेटर्स आर टी ए, ये हमारी ठीक है इवेंट ए हो गई, जो हमारी मैंने आर्बिट्री इवेंट्स की बात की थी, दो इवेंट्स पे अवार्ड भी, ये दोनों इसके साथ कॉमन है, देख रहे हो ना, जब हमने उसकी बात की थी कि हमारे पास जब बेसिस की बात की थी कि हमारे पास म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो ए1 ए टू ई एन, देन वहाँ पे ए हमारा डिफाइंड हो जिसमें ए1 इंटरसेक्शन ए, ई टू इंटरसेक्शन ए, ये सारे एक बेटा क्या हो डिसजॉइंट्स हो, ये सारे डिसजॉइंट्स हो, इनकी बात हमने किया था, ठीक है। देन हम पता करें कि जो हैपनिंग ऑफ ई1 विद एनी ई1 ई2 और ई3 विद रिस्पेक्ट टू ए जन, कि हमारा ए ऑलरेडी अकर्स करा वहाँ पे, तो अभी हमारे पास इस में प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास ई1 की बात करते हैं, देखो दो ही चीज़ है, या तो लेटर कलकत्ता से आई है तो टाटा नगर से आई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगी 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 भी क्या हो जाएगा बेटा 1/2, क्योंकि हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, या तो लेटर हमारी कलकत्ता से आई टाटा नगर से आई, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हैपनिंग क्या हो जाएगी 1/2 1/2। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए/ई1 की, ए/ई1 की जो हमारा लेटर है वो कलकत्ता से आया हुआ है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए/ई1 पे ध्यान दीजिएगा, और टीए विजिबल है, टीए ही सिर्फ ये टीए एक टीए विजिबल है, तो फेवरेबल तो बेटा हमारे पास इवन हैपनिंग दैट कि कलकत्ता से आया हुआ है, तो इस टीए देखिए टीए विजिबल है, इस टीए को हम क्या मानेंगे, वी आर गोइंग टू कंसिडर विद अ वन लेटर, इस टीए को वन लेटर अज्यूम करेंगे, और जब बेटा ये टीए हमारा वन लेटर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए/ई1 की बात कर रहे हैं, टीए वन लेटर हो जाएगा, एंड इट्स 1 2 3 4 5 6 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए/ई1 क्या फेवरेबल वन है, टोटल वी हैव अ 7 लेटर्स देयर, एंड इट्स अ 1/7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए/ई1 बेटा 1/7 हो गया। देन व्हाट इज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए/ई2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए/ई2 की बात कर लेते हैं, अगेन गिवन दैट ई2 मींस लेटर हमारा टाटा नगर से आया, टीए विजिबल, अभी यहां ध्यान से देखिए, नाउ वी हैव हाउ मेनी टीएस देयर, वी हैव 2 टीएस देयर, ठीक है, ये हमारे पास 2 टीएस है, विजिबल सिर्फ 1 टीए है, तो फेवरेबल तो बेटा यहाँ पे 2 हो गए, पर वी हैव टू बी ए गिवन लेटर टू विजिबल, गिवन टू विजिबल लेटर्स वी लुक जस्ट ओनली टीए, 1 टीए दिख रहा है वहां पे, तो इस टीए 2 थे, फेवरेबल 2 हुए, पर टीए को 1 कंसिडर करेंगे, तो देन वी हैव दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, देन वी हैव पी इज टू ई2 इज व्हाट 2/8। अभी बेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए/ई1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए/ई2 है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट दैट कि इट्स कैम फ्रॉम कैलकटा, पहला प्रोबेबिलिटी क्या करना है कि टीए विजिबल है और वो कैलकटा से आ रहा है, मींस व्हाट इज और फर्स्ट सॉल्यूशन इज दैट, क्या गिवन हमारे पास कि लेटर टीए इज विजिबल, मींस ए गिवन है, ए अकर्स है, एंड कम्स फ्रॉम कैलकटा, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1:a निकालना है, तो चलिए इस पर बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं, देन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए/ई1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी समेशन ऑफ दिस, देन वी हैव p/ई1 टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए/ई1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए/ई2, ठीक। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 क्या है बेटा, इट्स अ 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए/ई1 इट्स अ 1/7, ये रिपीट होगा, देन 1/2 × 1/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 इज व्हाट, अगेन वी हैव 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए/ई2 इज व्हाट 2/8, फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन वी गेट 1 × 1 2, वी गेट 1/14,
we get here 1 by 14 and plus 1 by 8. ठीक, अभी 14 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं. हियर वी गेट 1 by 14 एंड 8 और 14 का एलसीएम निकाल लेते हैं. देन वी हैव 56 एंड वी गेट 4 ईयर, वी गेट 7 ईयर. देन फाइनली जो हमारी वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवन बाय ए इज गिवन एज 1 बाय 14 इंटू 56 अपॉन 4 प्लस 7 11. ठीक है बेटा, लुक व्हाट वी सी दैट कि जो हमारी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारी लेटर है जो टीए विजिबल है कम्स फ्रॉम कलकत्ता इज दैट वी हैव अ प्रोबेबिलिटी व्हाट इट्स अ 4 बाय 11. अब लुक वी हैव टू फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट कम्स फ्रॉम टाटानगर आल्सो, हमें वहां भी प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है. तो सेकंड पोर्शन पर जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू बाई ए कि टीए विजिबल है और वो कलकत्ता से आया हुआ है. एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू. ठीक बेटा, अभी सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर लेते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू क्या था हमारे पास, 1 बाय 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू इज वॉट इट्स 2 बाई 8. देखिए नीचे की सम तो सेम रहेगी जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन में थी, मीन्स वी गेट इट्स 4 प्लस 7 11 बाई 56. देन वी गेट हियर 1 बाय 8, 1 बाय 8 टू 11 बाई 56. देन फाइनली सॉल्यूशन हमारी बेटा क्या आने वाली है, 1 बाय 8 इंटू 56 अपॉन 11. देन वी गेट 7 हियर. Then what we get 7 by 11. It's a 7 by 11. ठीक है बेटा, that's why look important question था, discussion must थी. ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा. एंड लुक अभी NCERT's exam plus के जितने भी आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे रिलेटेड विद आवर बेस थ्योरम वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि 30% ऑफ सिलेबस डिलीट हो चुका है बेटा और सिर्फ आपके प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. देन आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन है. एंड लास्टली वी हैव जस्ट ओनली अ बेस थ्योरम. तो नाउ जो आपकी लेटेस्ट मार्किंग स्कीम है ब्लू प्रिंट स्कीम उसकी बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी देन नाउ प्रोबेबिलिटी कैरीज 8 मार्क्स देर. आपसे प्रोबेबिलिटी से 8 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं. देन यू हैव टू बी लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस देर, आपको प्रैक्टिस करनी है प्रोबेबिलिटी की और अच्छे से बेस थ्योरम आप लगा लेंगे. बात सब समझिए वहाँ पे, आप देखिए कि इवेंट्स क्या बन रही है, वो इवेंट्स आप क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होने चाहिए, पार्टीशन ऑफ सेट फॉर्म करने चाहिए, वहाँ पे जो आपकी इवेंट्स है जो अकर्ड हो रही है वो क्या होनी चाहिए, आर्बिट्री इवेंट्स हो. और उसके बाद कहाँ पे जाए, सबसे बड़ी बात है कि कॉज क्या सोर्स की तरफ प्रोबेबिलिटी पूछे वहाँ पे. तो उस केस में आपको बेटा क्या अप्लाई करना है, वी हैव टू बी अप्लाई बेस थ्योरम. देन लुक अभी हम सिर्फ डेफिनेशंस पे जाते हैं और देखते हैं वहां पे कि हमें कि हमें आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट वी हैव टू डिस्कस देयर, कि वी हमें डिस्कस करना है सिर्फ क्योंकि उससे मेनली मीन और वेरिएंस पार्ट थे, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात होती थी, वो टॉपिक डिलीटेड हो चुकी है. तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इट्स अवर रैंडम वेरिएबल. तो बस उसकी आप बेसिक आज की क्लास में हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे भी बात करेंगे भी. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं वो बेटा हमारी क्या रैंडम वेरिएबल. ठीक, रैंडम वेरिएबल स्टार्ट कहां से किया था हमने, रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ. जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी की स्टार्टिंग होती है बेटा कहां से होती है, वी आर स्टार्ट विद रैंडम एक्सपेरिमेंट. कि हमारे एक्सपेरिमेंट रैंडम क्या होती है, रैंडम एक्सपेरिमेंट याद आपको फिर से भूल गए सब, ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आउटकम्स को, और जो हमारी सैम्पल स्पेस में जो आउटकम्स आने वाले हो क्या वो इट्स मोर देन टू आउटकम्स, अगर ऐसी क्राइटेरिया फॉलो करती है तो हमारी एक्सपेरिमेंट क्या होती है, रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम वेरिएबल की बात करें सिंपली सी तो क्या होगा कि आपका जो कोई वेरिएबल है वो वेरिएबल एसोसिएट हो किसी किसी नंबर्स के साथ, तो वो वेरिएबल्स की बेटा क्या कहते हैं हमारी रैंडम वेरिएबल्स. डेफिनेशन की बात करेंगे यहाँ पे तो देखिए अभी ये हमारा सारा कुछ कोरिलेशन चलता है अभी प्रोबेबिलिटी के साथ. अभी हम कहाँ जंप कर रहे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की सब रिलेशंस एंड फंक्शन की तरफ.
क्या है कि हमारे पास कोई सैंपल स्पेस है बेटा, ठीक है, उस सैंपल स्पेस में वी हैव उस जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वहां पे सैंपल पॉइंट्स होंगे। अगर हम सैंपल पॉइंट्स की बात करते हैं तो हमारे जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो क्या होगी, एक फंक्शन है। क्या रैंडम होगा बेटा, एक आपकी एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। व्हाट इज आवर रैंडम वेरिएबल, अ रैंडम वेरिएबल इज आवर डिफाइंड ऑन अ सैंपल स्पेस, इट्स वन ऑफ द फंक्शन हुज डोमेन इज आवर सैंपल स्पेस। ये आर जो आपका कोड डोमेन है, यहाँ पे क्या मिलने वाला, जो हमारी रैंडम वेरिएबल की रेंज मिलने वाली है वो सारे क्या मिलेंगे बेटा, रियल वैल्यूज मिलने वाले हैं। कि हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करेंगे, वो फंक्शन हम अपने सैंपल स्पेस जो भी एक्सपेरिमेंट होगा उसके सैंपल स्पेस पे फंक्शन डिफाइन करेंगे और जिसकी रेंज होगी वो क्या मिलेगी, वो सारी सारी रियल वैल्यूज मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल एक सैंपल स्पेस फॉर्म करते हैं कि हमने क्या किया, वी हैव टॉस्ड थ्री कॉइंस, हमने थ्री कॉइंस को टॉस कर दिया, ठीक है, तो क्या बेटा फॉर्म क्या करेगा हमारे सैंपल स्पेस में। अगर हम दो कॉइंस टॉस करते हैं देन वी हैव एच एच एस टी टी एस एंड टी टी, थ्री कॉइंस को टॉस करेंगे तो जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, वी हैव एच 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 एस टी एस टी एच एस टी टी देन टी एच एस टी एस टी 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 एच एंड टी टी टी, ठीक है, वी हैव एट सैंपल पॉइंट, हमारे पास एट सैंपल पॉइंट हो गए। देन वी हैव एट सैंपल पॉइंट एंड हमारी वी हैव टॉस थ्री कॉइंस हमने टॉस कर दी, ठीक। अभी जो डिफाइन करते हैं अपने एक्स को, नंबर ऑफ हेड्स, हमने जो एक्स किया कि हमने वी हैव टॉस्ड थ्री कॉइंस एंड नंबर ऑफ हेड्स कम्स आउट, एक्स जो हमने डिफाइन किया कि उस जो हम काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ हेड्स को, नंबर ऑफ हेड्स की तरफ जा रहे हैं, तो जब अब ये नंबर ऑफ हेड्स को हम काउंट करें, जब हमारा रैंडम वेरिएबल डिफिनेशन है वो डिफाइन नंबर ऑफ हेड्स पे, तो अब बात करते हैं सैंपल पॉइंट के साथ। पहला एक्स एच 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 कितने बेटा नंबर ऑफ हेड्स हैं, वी गेट थ्री। एक्स पे लेते हैं एच एस टी पे, एच एस टी कितने हेड्स है बेटा यहाँ पे, वी हैव टू। फिर एक्स ऑफ एस टी एस पे लेते हैं कितने हेड्स हैं, टू। नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट एक्स ऑफ एस टी टी कितने हेड्स हैं बेटा, वन, ठीक है। अब एक्स ऑफ टी एच एस लेते हैं कितने हेड्स हैं, टू। एक्स ऑफ टी एस टी लेते हैं कितने हेड्स हैं बेटा, वन, ठीक है। देख रहे आप, हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया कि नंबर ऑफ, वी हैव टू बी टेक सैंपल स्पेस में, हमने थ्री कॉइंट टॉस किया, सैंपल स्पेस फॉर्म किया, जो अपना फंक्शन डिफाइन किया, नंबर ऑफ हेड्स कम्स ऑन द कम्स आउट ऑन द क्वाइन देयर, देन नंबर ऑफ हेड्स कम्स ऑन द क्वाइन उसकी बात कर रहे हैं, तो एक्स टी एस टी ले लिया, देन एक्स ऑन टी टी एच कितने हेड्स हैं यहाँ पे बेटा, वी हैव वन, ओनली वन हेड्स, ठीक है। देन एक्स ऑफ टी टी टी, एक्स ऑफ टी टी कोई भी हेड्स नहीं है, देन वी गेट जीरो। अभी ध्यान से देखिए आप, इस एक्स इस रैंडम वेरिएबल की हम इस रेंज की बात करते हैं तो हमारा जो एक्स है इस कंटेन हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, या तो वन टू थ्री या जीरो, जीरो वन टू थ्री, क्या डिफिनेशन हमारी, तो जो हमारा रैंडम वेरिएबल्स है को ऐसा वेरिएबल्स है जो एसोसिएट है रियल नंबर्स के साथ, जीरो वन टू थ्री रियल नंबर्स एसोसिएट है, और क्या डिफाइन कर सकते हैं, और रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन विच इज व्हाट इट्स विच डोमेन इज व्हाट इट्स सैंपल स्पेस टू एनी किसी सब स्पेस पे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके जो रैंडम वेरिएबल्स है उस पर हम जो सॉरी जो किसी भी इस सैंपल स्पेस पे हम सिर्फ यूनिक रैंडम वेरिएबल बेटा डिफाइन नहीं कर सकते, वी आर सो मेनी यहाँ पे एक से अधिक रैंडम वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, मैंने नंबर्स ऑफ हेड्स लिया, नंबर्स ऑफ टेल्स ले सकते थे, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स भी ले सकते थे, तो आप एक सैंपल स्पेस पे एक से अधिक रैंडम वेरिएबल्स को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, जीरो वन टू थ्री, मैंने कहा था इसी बेटा हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जो हमारी अगर बात करें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो देखिए जो हमारा किसी भी रैंडम वेरिएबल्स है उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास कुछ रेंज होती है, वी हैव सम एक्स आई एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री या एक्स एन ले लिया, जैसे हमारे यहाँ पे जीरो वन टू थ्री मिला, तो हम नहीं जाते कि मैं क्या वैल्यूज मिली, हमने ले कि
किसी भी रैंडम वेरिएबल्स एसोसिएट के साथ, वी हैव सम रियल नंबर्स, या रियल नंबर्स की बात करें या कुछ रैंडम वेरिएबल्स के साथ जो रेंज है वो x1, x2, x3, xn है, और इनके रेस्पेक्टिव्स में बेटा हम आप अगर इनकी प्रोबेबिलिटीज डिफाइन करते हैं, वी आर गोइंग टू डिफाइन इट्स अ प्रोबेबिलिटी, देन दिस आवर px, जो हमारा बेटा ये px डिफाइंड होगा, मान लिया के रेस्पेक्ट में इसके रेस्पेक्ट की प्रोबेबिलिटी जो हमारी x1 की थी वो p1 थी, x2 की p2 हुई, x3 की p3 है और इसकी pn है, तो जो बेटा ये हमारा px है जो प्रोबेबिलिटीज हम डिफाइन कर रहे हैं, वैल्यूज ऑफ दिस p1, p2, p3, pn, इन सारे रैंडम वेरिएबल्स के एसोसिएट्स जो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटीज है, दिस और दिस px इज नोन एज आवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बेटा ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कराती है, और द मस्ट थिंग इज दैट व्हाट यू हैव टू मेक इन योर माइंड दैट कि कोई भी हमारी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो और जो एसोसिएट है किसी रैंडम वेरिएबल्स के साथ, इसके सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, द ऑल समेशन ऑफ ऑल pi, सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो सम है बेटा वो क्या होनी चाहिए, इट्स मस्ट बी इक्वल टू 1, मीन्स हमारे किसी भी रैंडम वेरिएबल के एसोसिएट्स में जो उसकी रेस्पेक्टिव उस रैंडम वेरिएबल्स के साथ जो हमारी रेस्पेक्टिव एसोसिएट प्रोबेबिलिटीज हैं उन सारे के सम क्या होने चाहिए, अगर 1 होते हैं तो देन दिस रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ दिस x1, x2, x3, xn इज नोन एज आवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो ये हमारी डिफिनेशन के हिसाब से हमने बेटा क्या देखा, वी हैव सीन दैट द डिफिनेशन ऑफ आवर, वी हैव सीन आवर डिफिनेशन ऑफ आवर व्हाट रैंडम वेरिएबल देखा हमने, हमने डिफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल देखा, हमने देन एसोसिएट देखा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अब ये बोले इसका भी अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कोई क्वेश्चन, देखो फिलहाल तो डिटेल हम सिलेबस में तो मोस्टली मैं ट्राई की डिफिनेशन के साथ ही रहा, फिर भी एक दो क्वेश्चन की डिस्कशन कर लेते हैं, आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी लॉस नहीं होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, अगर 1 मार्क्स में आ गया कुछ भी वो देख लेते हैं। इसके मेन पोर्शन से मेन वेरियंस हमें पढ़ना था पर वो तो डिलीटिंग ऑफ सिलेबस का पार्ट हो गया है। व्हाट वी हैव द वन ऑफ द क्वेश्चन इज गिवन दैट कि द रैंडम वेरिएबल्स एक्स हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम नंबर, हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है p ऑफ x फॉर सम x देयर, इट्स गिवन दैट इसके वैल्यूज दे रखी है, व्हाट वी हैव k If x go to 0, 2k if our x is 1, and 3k if x go to 2 and 0 otherwise, and then we have 0 otherwise. The random variable x has probability distribution px of the following form where k is some number, it's given it. Then what we have to find here, we have to find first of all determine k, हमें इस k की value निकालनी है, ठीक, we have to determine k, हमें यहाँ पर k की value determine करनी है, then we have to be find out the values of what in second portion, so first portion से then we have to find out the values of what p of x when our x is less than 2 find out करना है, then we have to find out p of x less than or equal to 2, then we have to find out x greater than or equal to 2, ठीक बेटा। तो पहले फर्स्ट ऑफ डिटरमाइन ऑफ k पे चलते हैं, we are going to find out the values determination of k, ठीक है। पहले मैंने अभी डिफिनेशन बोला कि अगर ये हमारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या आनी चाहिए, सारे प्रॉपर्टी x पे जो डिस्ट्रीब्यूशन k है, 1 पे 2k है, 2 पे 3k है, इनका सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0, इनका सम 1 होना चाहिए, देन वी हैव 6k इज इक्वल टू 1, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट, 1/6, ठीक है बेटा, हमें k की वैल्यू मिल गई। तो अब देखो मीन्स x इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या होगा वैल्यू, याद ही होते हैं, on x equal to 0 what we have, we have k means 1/6, on x equal to 1, x equal to 1 पे क्या मिलेगा बेटा,
2k means 2 into 1 by 6, x equal to 1 पे जो हमारा probability आएगा, value बेटा वो आएगा 1 by 3, then, and x equal to 2, x equal to 2 पे बेटा हमारे पास जो value आएगी, we get 3 into, means 3 into 1 by 6, we get 1 by 2, and otherwise पे जो 0 जिए, तो ये, बेटा हमारी value आ रही है, on x equal to 0, 1 by 6, on x equal to 1, 1 by 3, on x equal to 2, 1 by 2, अभी मैं p of x less than 2, probability distribution निकालनी थी, किस पे x less than 2, means, लेस देन टू मतलब क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन एक्स इज 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स व्हेन आवर एक्स इज व्हाट इट्स अ 1 देयर ये दोनों केसेस हम लेंगे वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जब एक्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारी एक्स 0 है वो क्या है बेटा वो है हमारी 1 बाय 6 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट एक्स इक्वल टू 1 वो है हमारे पास 1 बाय 3 एलसीएम आएगा 6 1 प्लस 2 वी गेट 3 बाय 6 देन वी गेट 1 बाय 2 ठीक है Then we have to find out probability for x is less than or equal to 2. इस केस में क्या आएगा? Probability at x equal to 0 plus probability of our x at 1 plus probability of our x at 2. क्योंकि less than or equal to 2 की बात कर रहे हैं. अब probability of x 0 क्या है हमारे पास बेटा? 1 by 6. 1 पे क्या है? 1 by 3. 2 पे क्या है? 1 by 2. Again हमारे इसके LCM क्या आएगी? 6. Then we get 1 plus 2 plus 3, we get 6 by 6, what we get? We get here 1, ठीक है? तो हमने probabilities की बात कर ली, वहाँ पे आया probability x is less than 2 निकाला, then probability, we have to find out probability at x equal to, हमने कहाँ पे निकाला? x 2 पे निकाला, then what we get 1, Then, then lastly, we have to find out probability at x is greater than or equal to 2. Probability of x is greater than or equal to 2. अब देखिए, यहाँ पे तो 2 otherwise 0 दे रखा है x equal to 0, 1, 2. Probability of x greater than or equal to 2 मतलब 2, 3, 4. ये तो है ही नहीं. Then how can we find out? क्या use करेंगे बेटा यहाँ पे? We are going to use here. हाँ, हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे probability of x greater than or equal to 2. क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज है x को टू 0 पे है x को टू 1 पे है x को टू 2 पे है x रेटिंग को टू 2 के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा वी हैव टू यूज आवर कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन आवर x इज लेस देन 2 उसमें से हम क्या माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन नॉट इक्वल टू नहीं आएंगे लेस देन 2 अगर हम यूज कर दें तो हमारी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी लेस देन 2 पे प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारी 1 बाय 2 1 माइनस 1 बाय 2 देन वी गेट 1 बाय 2 तो ये हमारा बेस क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे ठीक है तो अब आपको क्या करना है बेटा यू हैव टू बी हमने आज अभी आज की क्लास में क्या किया हमने रैंडम वेरिएबल डिस्कस किया हमने बेस तो रिलेटेड क्वेश्चंस किए देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा मैंने डिफाइन किया आपको कि जो भी हमारी रैंडम वेरिएबल्स है वो आप जो आपकी रैंडम वेरिएबल है इट्स अ आप उसको इन इजिली वर्ड्स डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट इज अवर रैंडम वेरिएबल एक्स इट्स अ व्हाट इट इज अ फंक्शन इट इज अ फंक्शन व्हिच डोमेन इज व्हाट आवर सैंपल स्पेस एंड आल्सो इट्स एसोसिएट ऑफ एसोसिएट विद अ व्हाट अ यूनिक नंबर और विद सम रियल नंबर तो हमारी रैंडम वेरिएबल जाएगी कैसे फाइंड आउट करेंगे एक्चुअली जो हमारा रैंडम वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है वो वहाँ पे हमें क्या बेटा जो हमारी फंक्शन है उसकी सिर्फ रियल वैल्यूज होती है तो हमारी जो एसोसिएट फंक्शन की मैंने स्टार्टिंग में कही कि जो भी हमारे रैंडम वेरिएबल्स है वो की वेरिएबल्स है जो एसोसिएट होती है विद रियल नंबर्स आप क्या करें जो भी आपके एक्सपेरिमेंट थी उसके रिस्पेक्ट में आपके पास जो सैंपल स्पेस पॉइंट होंगे उस सैंपल स्पेस में जो भी आप डिफाइन कर दें वहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने एक डाइस थ्रो कर दिया हमने एक वी हैव थ्रोन अ टू डाइस देयर हमने दो डाइस थ्रो कर दिए देन हाउ मेनी वी हैव अ सैंपल पॉइंट देयर देन वी हैव 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 देन 6162 6364 6566 36 सैंपल पॉइंट होते हैं अब उसमें हमने जो एक्सपेरिमेंट अपना एक एक्स डिफाइन किया नंबर्स कम्स ऑन द टू डाइस वो अब हमारी बेटा रैंडम वेरिएबल जाएगी जिसकी रेंज क्या हो जाएगी सम ऑन द डाइस वी हैव गेट टू सम ऑन द डाइस वी गेट थ्री सम ऑन द डाइस वी गेट फोर फाइव सिक्स कहाँ तक जाएंगे 7 8 9 10 11 12 तो और जो हमारा रैंडम वेरिएबल्स टू डाइस के पाया है वो क्या हो जाएगा बेटा वो रन करेगा 2 टू 12 अब उससे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो 2 आने की इवेंट्स क्या है हमारी 1 1 है तो क्या हो जाएगी उससे प्रोबेबिलिटी 1 फेवर होगा 1 1 अपॉन 36 सम ऑफ द डाइस 3 या तो 1 2 होगा या तो 2 1 होगा दो फेवर होगा देन 2 अपॉन
कितना हो जाएगा 36 1 बाई 18 मिलेगा। वैसे ही सारे आप उसके एसोसिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाइए। नाउ थैंक्स टू ऑल। नेक्स्ट क्लास से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा।